एक्यूरेट टाइम पर इन्होंने सारी रीति रिवाज करे, मजा आ गया बाय गॉड। हेलो गाइज, वेलकम टू लखनीत ब्लॉग्स। हम लोग रेडी हो रहे हैं और फटाफट हमें सिर्फ 10 मिनट का टाइम मिला है कि हमें हेयर बनाना है, चेंज करना और जल्दी से भागना है हमें रिसेप्शन के। तो गाइज, रिसेप्शन पर कुछ और भी होने वाला है, अभी यहाँ पर धूम धड़क्का होगा काफी ज्यादा, पहले इसीलिए लाइक कर दो। जैसे कि मैं आपको शुरू में बोलता हूँ, ब्लॉग देखते ही लाइक कर दिया, अगर आप लास्ट तक भूल जाते हो। ये तो क्या करा रही है अभी? यहाँ पर एक प्रैंक होने वाला रोहित के साथ। क्या प्रैंक है? पुनीत यहाँ पर ये सिलेटी मंगवा लिया, इसको लिखे गेम ओवर। ओवर किसके लिए लिख रहा है ये? रोहित के लिए। ए, देखो खा गई। तो उसको देगा गिफ्ट में? हाँ हाँ। ये क्या चीज है नीतू, ये कैसा प्रैंक हुआ? अच्छा शादी हो गई इसलिए गेम ओवर। हाँ भाई, इसने इसका मतलब मेरी कंडीशन बहुत अच्छे से परखी है, इसीलिए कर रहा है ना तू ये सब। और हिम्मत देखो नीतू को सामने कर रहा है सारी चीजें। ये इंडायरेक्टली तुझे बोल रहा है। अरे रोहित कहाँ जा रहा है? क्या अरे वॉशरूम जा रहा होगा, जा नहीं सकता क्या? तुम क्या साथ में जाओगे वॉशरूम उसके? यार अब हम लोग बैठे हैं बैक स्टेज और रोहित के यहाँ फोटो शूट चल रहा है, बहुत सारे रिलेटिव्स आए हुए हैं फोटो। यार नीतू ने इस गाने पर रील बना बना के ना दिमाग खराब कर दिया मेरा। कॉपीराइट नहीं, ये डेली इसी गाने पर रील बना रही है भाई। नीतू मान जाए, गाना बंद कर दे यार। अगर आज कैसेट का जमाना होता ना, कैसेट घिस गई होती इसके इस गानों से। तो गाइस अब इन लोगों का डांस शुरू होने वाला है, देखते हैं क्या प्रिपेयर करा है इन्होंने। गाइस कितने नंबर, 10 में से जरूर बताना, और 10 में से 100 वाला जो भी आएगा वो मैं समझूंगा कि मेरे लिए, क्योंकि मैंने यार कैप्चर करा इतने अच्छे से, मेरे स्किल के लिए होगा वो। और अब बस दुल्हन की विदाई स्टार्ट होने वाली है, यहाँ पे सब लोग रेडी हैं। पर विदाई हो रही है और सबसे मतलब हंसी हंसी हम पूरे दिन हंसते हैं, फिर जब विदाई होती है तो इतना रोना आता है सबको देखकर कि पूछो मत। हाँ हाँ बिल्कुल, रो मत बिल्कुल। आंटी आप टेंशन क्यों ले रहे हो, आपने तो देखा है सब सब कैसे रहते हैं। हाँ बिल्कुल टेंशन नहीं लेना आप, बहुत खुश रहेगी आप, तो वीडियो में देखते रहोगे डेली उसको। इतने अच्छे लोगों के घर में शादी की आपने, सभी कितने अच्छे हैं है ना, आई बाबा ये तो लगते ही नहीं सास ससुर से कहीं से। हमारे प्यारे अंकल भी रोए, बाबा भी रोए, आई भी रोई है, लेकिन इतने अच्छे सास ससुर मिल रहे हैं। आता है मैंने भी आज मेरी बेटी ऐसी ही रोने की जरूरत नहीं है। देखो कितने अच्छे लड़के से शादी कराई थी आपने, आपने दामाद बहुत अच्छे ढूंढे हैं ना, तो माँ की तरह प्यार करते हैं आप।
लड़की है। दामाद से अच्छी मेरी माँ की लड़की है। दामाद भी बहुत अच्छा है, मैं सबको बताती है मेरा दामाद बहुत अच्छा। आप तीनों ही अच्छे हो, आप तीनों ही बहुत अच्छे हो। मेरी सास भी ऐसी सबको बताती है, कहती है कि मेरा दामाद बहुत अच्छा है। मेरा दामाद बस मेरे को जले हुए चावल खिला देती है। मेरी मम्मी मुझे कभी वो बोलता है उसकी तीनों की जैसी माँ है तैसी मेरी भी माँ है। यही होना चाहिए। पता है मुझे लगता है हमारे एक इंडियन सोसाइटी में ना जो पुराना जो एक माइंड सेट है यही चीज चेंज होनी चाहिए। लड़का लड़की सबके घर वाले बराबर, सबकी इज्जत बराबर, पूरा प्यार बराबर है ना, होना चाहिए। मुझे आज ऐसा लगता है कि आपकी जो पूरी फैमिली अपनी एक घर की है। बिल्कुल शादी होती है खत्म यहीं पर। अब इनकी रिवाज ये है कि हम जाएंगे, पहले खूब सारा डांस होगा, उसके बाद दुल्हन की एंट्री होगी 10 या 12 बजे के आसपास। तो भाई आज तो पूरा दिन इतना रह गया, मतलब शादी हो है पुनीत, शादी हो तो ऐसी हो। सही में गाइस ये हम मजाक नहीं कर रहे, सच बोल रही हूँ, शादी हो तो ऐसे बिल्कुल यू नो एक्यूरेट टाइम पर इन्होंने सारी रीति रिवाज करे, मजा आ गया भाई। गॉड सुबह से लेकर शाम तक खत्म। हाँ। अभी शादी खत्म, अभी शादी खत्म, वाह। तो हमारी जो आंटी है उनको थोड़ा सा बस इमोशनल हो रही है, पर कोई नहीं, मैंने बताया वो दिल्ली भी आएंगे, आप रुक के जाना सबके साथ, टेंशन जरा भी नहीं लेना। कोई भी दिक्कत हो मैं अपना नंबर दे दूंगा आपको, ठीक है ना। क्या क्या रस्म है? एक मुंह में भर के पानी फेंकने की रस्म है, दूसरे पे। अच्छा, मतलब कल तक ही संपन्न हो जाएगा। हाँ। आई नहीं तो सब कुछ बता दे कि कैसे कैसे क्या होगा। अच्छा हमने कल भी रुक लिए हम। हाँ। ना मिस कर देते कल भी पूरा कुछ, कल भी पूरा दिन रही है। निमगाव दाउडे हमारा कुल दैवत है। हाँ चलेंगे ना हम भी, कुल देवता पूजन होगा ना हमारे यहाँ भी होता है, तो चलेंगे हम। चलेंगे हम, चलेंगे। तो हम आ चुके हैं अपने रूम में, मैं तो भाई थोड़ी देर लेटूंगा, सारा सामान इधर ही है। भाई पूरा दिन कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। और एक दूसरी चीज़ जो आज मैंने ऑब्जर्व करी, मेरे को लगा था इतने सारे होंगे ना बैक टू बैक फंक्शन, मुझे लगा शाम तक हम बहुत थक जाएंगे, लेकिन थकावट बिल्कुल भी नहीं है वैसे, है ना। मतलब आप सोच रहे हो कि थकावट नहीं है तो बैठा क्यों है, इसलिए क्योंकि अभी कुछ और है नहीं, सब लोगों का वेट कर रहा हूँ आके। लेकिन यार मज़ा आया है ना, क्यों नहीं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, लगा ही नहीं कि शादी पूरे दिन फंक्शन रहा, मज़ा आ गया। पूरा मैन अच्छा था ना आज, बहुत अच्छा था यार सच्ची। अगर लाइफ में दोबारा भी मौका मिला ना मराठी शादी मारने का तो हम पक्का आएंगे। अगर आप लोग हमें इनवाइट करना चाहते हो तो ठीक है बुला लेना हमें। ओए मकड़ी 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 मकड़ी, भाई मकड़ी को पकड़ने के लिए मैंने इसको बुलाया क्या? ओहो भाई तू हाथ से पकड़ लेना मकड़ी को। पकड़ना कौन और क्या करेगा, मेरी तरफ कोई नहीं, मारना नहीं है भाई, मारना नहीं है। अरे वाह फूंक से ही ऐसा जाला बुनेगी ना तेरे ऊपर। ओ भाई सिर भी लग गया। अच्छा अच्छा चलते हैं और आपको दिखाते हैं हमारा दूल्हा बाहर बैठा हुआ है अभी तक। सो गाइस अब आगे का पूरा व्लॉग आप देखोगे रोहित के पीओवी से, क्योंकि उसकी एंट्री होनी है। अभी हम लोग आ गए खाना खाने के लिए, हमारे सुपरस्टार बाबा रे सुपरस्टार खाना खाने का। हाँ जी सो अब हम लोग कर रहे हैं डिनर, और सच बता रही हूँ पूरे दिन हम नाचे, हम लोग भागे दौड़े, जो भी गया काम तो नहीं किया खैर, लेकिन हमारे पैर दर्द नहीं हुए, बैठते ही साथ पैर दर्द हो गए, जवाब दे दिया पैरों ने, मतलब रेस्ट लेते ही। सो गाइस ये आ गया हमारा खाना आज का, हमें खाने को मिला है पुलाव और सारे वेजिटेबल्स इसमें डले हुए हैं। अरे मेरे को भैया देखना कितना सा देकर गए, भैया और दे दो प्लीज। और दो भाई इसको।
दम लाई थी उस पर तू खाए आई दम लाई कुडे लगे अरे खाए सब ऊपर राउंड प्ले खंडवा इकडे 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 तो एक रस्म थी यहाँ पर पूरी हो गई है। इसके बाद हम यहाँ पर डलवाना चाहेंगे। भाई ये जो रस्म है इसे बोला जाता है धेड़वा। ये मतलब शादी के बाद पूरी रात में चलती रहती है, मतलब पूरी रात में मतलब एक घंटा चलती रहती है। इस वाली रस्म के बाद घर में होगी हमारी एंट्री। वो एंट्री का ब्लॉग भी पूरा देखना आप। एंट्री हमारे मराठी में कल्चर में कैसे एंट्री की जाती है घर के अंदर, वो मैं आपको सारी पूरा इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो इस वीडियो को मतलब अभी तक ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। भाई क्या है भाई, इसे एग्जैक्टली तो नहीं पता लेकिन ये एक रस्म है। ये लेके हमारी एंट्री होगी घर के अंदर। फिर एंट्री होने के बाद फिर एक दो गेम्स होंगे, उसके बाद हम सो जाएंगे। वैष्णवी तू म्हणायच होईल आम्हाला देऊ तुम्हाला। रोहित रोहित तू म्हण बाई पोर मागची, बाई पोर मागची, बहन लड़की मांग रही है, जब होगी ना हम होगी ना तब देंगे। यहाँ पर गेम होने जा रहा है। गेम क्या है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन भाई गेम होने जा रहा है। तुम हारने जा रहे हो, इसमें सोना और चांदी ढूंढना पड़ता है। तुम हारने जा रहे हो भाई। खाना वो यहाँ लिया जाएगा, उस दिन जैसे नीतू में हमने लिया था ऐसे उखाना यहाँ पर मराठी में लिया जाएगा। खाना मतलब इसमें पोएटिकली अपने हस्बैंड या पत्नी का नाम दिया था। भाजीत भाजी में थे जी, वैष्णवी माझा प्रीति थी। चांदीची जोडवी लग्नाची खूण, रोहितरावांचं नाव घेते, पवळ्यांची सुन अरे छान येते ना आलो मंदिरात वाहते फुला दीपान, शुभम रावांचं नाव घेते तुमच्या सगळ्यांचा मान। अरे पहली सास की, दूसरी ससुर की, तीसरी नंदन की, चौथी देवर की और पांचवी हम दोनों। आई लक्ष्मीच्या पावलांनी घरी आले, झालं रे बाबा धालो लक्ष्मी घेऊन घरी आलो। धालो लक्ष्मी घेऊन घरी आलो, झाले का बाई लक्ष्मीच्या पावलांनी, झाले लक्ष्मीच्या पावलांनी घरी आले, झाले लक्ष्मीच्या पावलांनी घरी आले, झालं रे बाबा धालो लक्ष्मीला घरी घेऊन आलो, झाली ग बाई मोदी की एक नेक था, वो मेरी माँ ने उसको दे दिया। गाल ऐसी काटते लगे नहीं ना, थैंक यू अजी। मैं लक्ष्मी साथ लेके आया हूँ, ये बोलती है मैं लक्ष्मी के पांव से घर में आई हूँ। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस ब्लॉग। इस ब्लॉग को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, अगर आपने शुरू में लाइक नहीं किया था तो। कल आपको देखने को मिलेगा जो कुछ यहाँ के और ज्यादा फंक्शंस थे वो। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।